और तीन भैंसे हैं, तीन भैंसे। अच्छा, और तो इसके अलावा इनके बछड़े बछड़ियां, और आपको दिखाता हूँ ठीक। इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आबिद बुलबुल व्लॉग। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करें। और ये हैं जी बाबा मजीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो के कबड्डी के पुराने प्लेयर और रिटायर पुलिसमैन। आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। ये देखें जी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इनको आज खुशी है। और ये देखें खूब ये ढोल ढमाका और नाच रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आपको क्या खुशी है जी। चाचा मजीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह, किस बात पर आप खुश हो रहे हैं? बचड़ा, हाँ जी, अब बचड़ा जब बस स्टैंड वाले पास राह दे दिता टाउन अपने, ताकि लोग सहूलत जानते आन गड्डियां कारा मोटर पजाते पावे ट्रैक्टर पजा। बच्चा, अच्छा, आपकी जो मस्जिद है उसमें से आपने राह दिया, पीछे क्या टाउन बन रहा है? हाँ, पीछे टाउन बन रहा है, इसलिए रास्ता दिया है। अच्छा, हाँ, रास्ता देना जो है वो स्वभाव है। तो इस रास्ते के आपने पैसे लिए को वैसे ही? अभी तो कुछ नहीं लिया। अच्छा, वो दे देंगे तो उसकी मर्जी। अच्छा, तो जो मस्जिद की जगह उसके बदले मस्जिद को जगह दी अपने पर ले। तो कितने फुट रास्ता आपने दिया? 16 फुट हो गया। 16 फुट, 8 फुट पहले था मेरा, 8 फुट और दे। तो जो पीछे इसके टाउन है वो कितने मतलब मरलों पर या कितनी एकड़ पर है? वो 6 कनाल पर। 6 कनाल पर। तो आप आज बहुत खुश हैं? आज बहुत खुश। अच्छा, बिल्कुल, बहुत खुश आज। तो आपकी जो मस्जिद है इसका क्या नाम है? मस्जिद उम्र सदी के उम्र ना उम्र सदी उम्र फरूक उम्र फरूक। अच्छा, हजरत उम्र फरूक। अच्छा अच्छा जी। तो ये आपकी जो मस्जिद है गांव में अल हदीस मस्जिद जामिया उम्र फरूक जी, तो इसके साथ सुना है कोई पानी वाला प्लांट भी बन रहा है? जी जी, बन रहा है, वो भी बनवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो मेरा भतीजा है। अच्छा, जगह दी है ठीक अपने बाप और माई के। अच्छा, अपने वालदैन के वाले स्वभाव के लिए उसने सदका जारिया कर दिया फरी देकर। अच्छा, तो आजकल आप मतलब फारग नमाज पढ़ते हैं? बस 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और अज़ान देते हैं बस। अच्छा, और कोई काम नहीं। अच्छा, बाबा मजीद सरकार, आप दीन के कामों के अलावा और क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का भी काम कर रहा हूँ, और मैंने माल मवेशी जो है वो अपने पास रखा हुआ है, उनकी खिदमत करता हूँ। ठीक है, ये देखें जी बाबा मजीद सरकार का माल मवेशी। 2 गाय हैं, हाँ जी, पास और 3 भैंसे हैं। 3 भैंसे? 3 भैंसे हैं। अच्छा, और तो इसके अलावा इनके बछड़े बछड़ियाँ और आपको दिखाता हूँ ठीक। छोटे बहुत अच्छे मैंने पाले हैं। ठीक ठीक हो गया। और ये साथ ही मेरा पटनार का पठनी ज़्यादा खर्ता कचा खानी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पास रखी है मैंने। अच्छा, कच्चा भी है मेरे पास, बहुत सोना जो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप आज मतलब मस्जिद को आपने जो रास्ता दिया उसके लिए मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? लोग दुआएं देंगे मुझे, बहुत दुआएं देंगे। यो जो मेरे अपना लात का दर्द है ना, हाँ, वो ठीक हो गया कल का जब से मैंने ये ऐलान किया ना। तो सुना है आप इलेक्शन वगैरह भी लड़ना चाहते हैं? मतलब इलेक्शन मैं नहीं लड़ता, खिलाड़ी आदमी का तो पहले हम तो पहले ही पंजाब में मशहूर है दोनों भाई, हमारे इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। अच्छा, तो आप कितने भाई थे? हम 5 भाई थे भाई। तो आपका एक भाई और भी पहलवान था? हाँ, वो बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत, उसको सारी दुनिया जानती है। उसका तो नाम क्या था? मोहम्मद रफीक बंजारी वाला से कहते थे। अच्छा, वो बहुत मशहूर था, बहुत ही मशहूर था। अच्छा, उसने बहुत बहुत मैच जीते, अनगिनत मैच जीते। अच्छा, मैंने कभी नहीं ऐसा कोई प्लेयर देखा हो जो मेरे भाई के साथ का हो। ठीक, मेरा भाई बहुत प्लेयर था, मतलब आपने काफी कप जीते अपने दौर में। बहुत, हम पंजाब सेलेक्टर थे। ठीक, हमने बहुत ट्रॉफियां जीती, मैच जीते, बहुत कुछ जीता हमने। ठीक, हमारा एक नाम है बस, हमें इलेक्शन की क्या जरूरत है। तो आपने पुलिस में भी काफी अरसा मुलाजमत की? हाँ, 42 साल पुलिस में रहकर आया, 42 साल। हाँ, मैंने और भी मेरे पास छोटे छोटे जानवर हैं। ठीक, वो भी आपको दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ चले, आओ मेरे साथ।
इसलिए बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी नस्ल के हैं ये, बहुत अच्छी नस्ल के, माड़ा जानवर नहीं मैं रखता, अच्छी नस्ल का रहा। जैसे आप बहुत बड़ा खिलाड़ी था, भाई था, वैसे ही जानवर देखो, इनके बच्चे देखो, दूध इनको बहुत पिलाता हूँ, बहुत दूध पिलाता हूँ माशाल्लाह, ये जल्दी जवान हो जाएंगे अपने। और ये साथ ही मेरा चारा जमीन है, रकबा है, यहाँ से काटते हैं और यहाँ ठीक ठीक हो गया। ठीक, तो आप कहते हैं बंगड़ा भी बहुत अच्छा डाल। बंगड़ा तो मेरे साथ वाला कोई नहीं बना सकता था भाई। अच्छा, मैं जवानी में था तो दुनिया देखती थी मुझे, क्या कबूतर आ गया कबूतर। अच्छा, मतलब आपको लोगों ने मजीद कबूतरी का लकब दिया होगा। कबूतरी का लकब दिया, ये कबूतर है, कबूतर कबूतर भाई, कबूतर का काम देखो, कबूतर का ट्रेस्ट देखो, डांस देखो। अच्छा, ये क्या करता है, हाथ लगाता और ऐसे करता और अपने अपने देखेंगी। ये बाबा मजीद सरकार, जिनको मजीद कबूतरी का लकब मिला हुआ है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान, जो कि अपने दौर में बहुत ही बड़े पहलवान रह चुके हैं। आजकल ये दीन के कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो आज हम बहुत ही इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया बाबा मजीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह।